Hello guys, I'm Ragini and you're watching my channel NCERT Science with Ragini. Welcome to our new video. So guys, ये हमारा NCERT Science chapter number 3 synthetic fibers and plastics का third part है. अगर आपने first and second part नहीं देखे हैं तो please आप मेरी NCERT Science की playlist पे जाकर उसे visit कर सकते हैं. So guys, इस पार्ट में हम सिंथेटिक फाइबर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पार्ट वन और पार्ट टू में डिस्कस किया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो मैन मेड होते हैं, और जब कोई चीज मैन मेड होती है तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं. सो पहले हम एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगी जिससे आप अपने टॉपिक को मेमोराइज करने आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं. उस टिप से आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. पहला एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाई होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेंसाइल स्ट्रेंथ? किसी भी चीज की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उसका होल्डिंग पावर होता है, मींस वो कितना वेट जो है वो होल्ड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग. विदाउट ब्रेकिंग अगर वो ज्यादा से ज्यादा वेट होल्ड कर रहा है, मतलब उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई है. सो सिंथेटिक फाइबर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, बट नेचुरल फाइबर्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई नहीं होता, वो जल्दी ही ब्रेक हो जाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. नाउ सेकेंड एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दे हैव लो वाटर एब्सॉर्प्शन प्रॉपर्टी, मींस वो लो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं. अगर हम कोई क्लोथ यूज कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर का और अगर हम उसे वॉश करते हैं तो वो बहुत जल्दी ड्राइज आउट हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता. ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी पजेस करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी? मींस ड्रिप ड्राई, वर्ड से हमें पता चलता है कि ड्रिप एंड बाहर निकाला तो ड्राई, तो क्विकली ड्राई हो जाते हैं. मीनिंग उसका ये है कि वो बहुत क्विकली ड्राई हो जाते हैं, बट नेचुरल फाइबर में ऐसा नहीं होता. नेचुरल फाइबर्स बहुत जल्दी ड्राई नहीं होते, उन्हें बहुत टाइम लगता है ड्राई होने के लिए. नाउ थर्ड एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दैट दे आर एब्रेशन रेजिस्टेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एब्रेशन? एब्रेशन मींस वियर एंड टियर और डैमेज. ये वियर एंड टियर रेजिस्टेंट होते हैं, या कह सकते हैं कि हम कि डैमेज रेजिस्टेंट होते हैं. मींस बहुत ज्यादा यूज करने पर भी, रेगुलर यूज करने पर भी, कंटिन्यूसली यूज करने पर भी सिंथेटिक फाइबर्स बहुत जल्दी वियर एंड टियर उनका नहीं होता, बहुत जल्दी डैमेज नहीं होते. ये लॉन्ग लास्टिंग एंड ड्यूरेबल होते हैं, बट नेचुरल फाइबर्स के साथ ऐसा नहीं होता. नेचुरल फाइबर्स ड्यूरेबल नहीं होते, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ये जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं, इनका वियर एंड टियर बहुत जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू सिंथेटिक फाइबर. सो ये भी एक एडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का. नाउ नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट दे आर लेस एक्सपेंसिव, मीन्स इन कंपेरिजन टू नेचुरल फाइबर दे आर चीपर. अगर हम नेचुरल फाइबर से इनका कंपैरिजन करें तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो ज्यादा महंगे नहीं होते, दे आर चीपर.
बट नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और उनका जो प्रोसेसिंग है वो भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए वो भी एक्सपेंसिव होते हैं. नाउ लास्ट एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दे हैव गुड इलास्टिसिटी. ये फेयरली इलास्टिक होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स इलास्टिक होते हैं और मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, बट नेचुरल फाइबर्स जो है इनमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे कि हम नायलन का अगर एग्जांपल ले लेते हैं, नायलन के सॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो नायलन के सॉक्स हम रोज वियर करते हैं, उन्हें हम पुल करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वो एक एक्सटेंट पे स्ट्रेच होते हैं, देन वापस अपना शेप जो है वो रिगेन कर लेते हैं. एक रबर बैंड का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से बता रही हूँ मैं कि एक रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं वो एक हद तक स्ट्रेच होता है और फिर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है. तो गाइस ये सारे एडवांटेजेस होते हैं सिंथेटिक फाइबर के. एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. पहला एडवांटेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सेकंड एडवांटेज लो वाटर एब्जॉर्प्शन, थर्ड एडवांटेज गुड इलास्टिसिटी, फोर्थ एडवांटेज लेस एक्सपेंसिव एंड फिफ्थ एडवांटेज एब्रेशन रेजिस्टेंट. सो गाइस अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेज देख लेते हैं. पहला डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट इट मेल्ट्स एंड बर्न्स इजीली. ये बहुत जल्दी मेल्ट और बर्न हो जाता है, इसीलिए ये एडवाइजेबल होता है कि जब हम किचन में वर्क करते हैं या फ्लेम या फायर के पास वर्क करते हैं तो हम सिंथेटिक फैब्रिक के गारमेंट्स ना पहने. जो सिंथेटिक फैब्रिक होता है जब वो बर्न होता है तो बीड्स फॉर्म कर लेता है और स्किन से स्टिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा विगरोसली बर्न दे देता है उस वियरर को. सो दिस इज द फर्स्ट मेन डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सेकेंड डिसएडवांटेज है कि ये अनकंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग समर्स. अब कहते हैं ना कि कोई एडवांटेज ही डिसएडवांटेज भी बन जाता है. हमने इसका एडवांटेज देखा था कि ये लो वाटर एब्जॉर्ब करता है, बट ये यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है. कैसे? समर्स में जब बहुत ज़्यादा हॉट या ह्यूमिड वेदर होता है तो हम सिंथेटिक फैब्रिक कंफर्टेबली नहीं पहन सकते, क्योंकि समर्स में हमें स्वेटिंग होती है और जैसा कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये तो लो वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो जो हमारा स्वेट है वो भी वाटर फॉर्म में ही होता है. तो जब हमें स्वेटिंग होती है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, तो ये हमारी स्किन और फैब्रिक के बीच में ही स्वेट जो है वो ट्रैप हो जाता है. और जब जब हमें स्वेटिंग होती है तो ये जो सिंथेटिक फैब्रिक होता है ये हमारी बॉडी से स्टिक हो जाता है और वियरर को अनकंफर्टेबल फील करा देता है. सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नाउ थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. सो ये भी एक डिसएडवांटेज है और ये सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है. सो फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज दैट इट डेवलप स्किन प्रॉब्लम्स इन सम पीपल. ये स्किन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है लाइक एक्जिमा. कुछ कुछ लोगों में इरिटेशन की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, एक्जिमा की प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करता है जिन लोगों को सूट नहीं होता, जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. सो ये उन लोगों में स्किन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है. सो गाइस ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप देने वाली हूँ कि कोई भी टॉपिक को कैसे हम जल्दी मेमोराइज या लर्न कर सकते हैं. सो गाइस अगर आपको कोई भी टॉपिक या
कोई भी चीज़ आपको लर्न करनी है तो पहले तो आपको उसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी होगी, है ना, सारी कलेक्ट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि सिंथेटिक फाइबर का ही आप एग्जांपल ले लो, अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना है, मेमोराइज करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे। आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, आप कोई भी चैनल आपकी मर्जी में जो आए वो चैनल उठा के आप देख सकते हो। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, जब इन्फॉर्मेशन आपके पास इकट्ठी हो गई तो आप उसे अपने ओन लैंग्वेज में राइट कर सकते हैं। अब ओन लैंग्वेज में जब आप राइट करते हो उसके बाद आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप दूसरों को पढ़ा रहे हो, मीन्स टीच समवन एल्स। ये टिप है, इस टिप का नाम है टीच समवन एल्स, मीन्स आप या तो दूसरों को पढ़ाएं, अगर आपके पास दूसरा अवेलेबल नहीं है, मीन्स आपसे पढ़ने के लिए कोई और अवेलेबल नहीं है, तो आप बोर्ड के सामने या मिरर के सामने आप ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि आप दूसरों को पढ़ा रहे हो। तो गाइस, इस टिप से आप बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को लर्न कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, एंड अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। Oh, 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 oh